तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको अपना फोन साथ लेकर सोना चाहिए, अगर सोना चाहिए तो क्यों सोना चाहिए, और नहीं सोना चाहिए तो क्यों नहीं सोना चाहिए, किस तरह से चीजें काम करती हैं। मैंने देखा है जो हमारे एज ग्रुप में लड़के और लड़कियां होते हैं तो वो जो जब सोने के लिए जाते हैं तो मोबाइल साथ लेकर जाते हैं, सीरियसली साथ लेकर जाते हैं, आपको मालूम होगा, ठीक है, अभी मोबाइल चलाते हैं तो साथ लेकर जाते हैं और मोबाइल चलाते चलाते ही सो जाते हैं। किस तरह से चीजें काम करती हैं, क्या इससे हमारे शरीर कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है, क्या ये सही है, क्या ये हम सही कर रहे हैं, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर राजपूत और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुधीर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपना फोन साथ लेकर सो रहे हैं तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखें कि फोन ब्लास्ट होने का खतरा रहता है, हालांकि ये बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी लाइफ के साथ रिस्क क्यों लेना, एक ही लाइफ आराम से जियो, ठीक है, तो रिस्क नहीं लेना है लाइफ के साथ। अगर आप फोन, हम मैं आगे बताऊंगा आपको, तो फोन को दूर ही रखना है, जब सो रहे हैं आप तब फोन को पास नहीं रखना है। तकिए के नीचे बहुत लोग रख लेते हैं, तकिए के रख के नीचे सो जाते हैं, फोन ब्लास्ट का सर उड़ गया, तो ऐसा नहीं करना है आपको, लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेना, एक ही लाइफ है, तकिए के नीचे नहीं रखना है। और दूसरी चीज रेडिएशन, हालांकि कोई स्टडी नहीं कहती है कि मोबाइल रेडिएशन हार्मफुल होती है, हाँ ये जब हार्मफुल हो सकती है जब आप बिल्कुल सर के सटीक मोबाइल मतलब बात कर रहे हैं या फिर सटीक लगा के सो रहे हैं और मोबाइल का नेट चालू है, ठीक है, मोबाइल में सिग्नल आ रहे हैं जा रहे हैं, तब ये हार्मफुल हो सकती है, अगर बिल्कुल सर के करके रखा है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ ब्लास्ट होने का खतरा रहता है, रेडिएशन का भी खतरा आ गया, ठीक है, तो सर के पास तो आपको बिल्कुल ही नहीं रखना है। और ये रेडिएशन ये तब और ज्यादा हो जाती है जब आपके मोबाइल में बैटरी लो हो, जब मोबाइल में बैटरी लो होती तब ये रेडिएशन और ज्यादा निकलती है, और जब यह बैटरी लो हो या सिग्नल लो, आपके मोबाइल में नेटवर्क कम आ रहे हैं, तब भी ये हार्मफुल हो जाती है, बहुत हाई रेडिएशन आने लगती है। और ये सीने के पास, सर के पास और सीने के पास तो आपको बिल्कुल नहीं रखना है। और एक चीज, अगर आपके मोबाइल में बैटरी मान लीजिए कम है, लो बैटरी है और आपको बात करनी है रात में किसी से, तो आप लाउड स्पीकर या ईयरफोन लगा के बात कर सकते हैं, फोन को साइड से रख दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और बात करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। और ईयरफोन नहीं है तो स्पीकर खोल लीजिए ना, स्पीकर से ही बात होती है ना, लाउड स्पीकर किस लिए दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि आप उससे बात करें, यहाँ लगा के जरूरी नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल सटीक पहुंच जाता है, सर के पास लो बैटरी प्लस रेडिएशन प्लस ब्लास्ट का खतरा, ठीक है। और एक चीज होती है आपके साथ जो होती है, आपको नींद ठीक से नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारा मोबाइल फोन होता है वो ब्लू लाइट एमिट करता है, मतलब हमारे दिमाग को सीधा सीधा सिग्नल जाता है कि अभी दिन है, अभी जागना है, हम मोबाइल चला रहे हैं ऐसे सर के पास ऐसे चला रख के, ठीक है, तो मोबाइल से ब्लू लाइट आ रही है, हमारी सीधी आंखों पर पड़ रही है, आंखों से सीधा माइंड पर जा रही है, और माइंड को ये सिग्नल पहुंच रहा है कि अभी अंधेरा नहीं हुआ है, अभी रात नहीं हुई है, अभी हमें जागना है, ठीक है, और जागते जागते रात के बज जाते हैं 12, तो आप जानते ही हैं, तो ब्लू लाइट इमिट करती है। अगर आपको चलाना ही चलाना है, आपको किसी की नहीं माननी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, रीड मोड लगा सकते हैं, रीड मोड फुल कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपकी ब्लू लाइट इमिट नहीं होगी, वो जीरो हो जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है, तो ब्लू लाइट नहीं आएगी, तो आपके दिमाग को ये सिग्नल नहीं जाएगा कि अभी दिन है, वो समझिएगा रात है, ठीक है, जब ब्लू लाइट नहीं जाएगी, रात में नहीं समझेगा, आप ये बात समझ लीजिए, रात में समझेगा, लेकिन वो दिन भी नहीं समझेगा, ब्लू लाइट से आपकी और आंखों को बहुत ज्यादा वो होता है खतरा, जो आपने देखा होगा, जो दिन रात यही काम करते हैं बैंक में या किसी सेंटर पर, तो वो एक चश्मा लगाते हैं, उनसे पूछना कि ब्लू लाइट ब्लॉकर चश्मा होता है उनका, उन्हें बेशक चश्मे की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी चश्मा लगाते हैं, वो ब्लू लाइट ब्लॉकर का चश्मा होता है, जिससे जो डेस्कटॉप से या फिर जो सामने से रेडियो ब्लू लाइट आ रही है वो उनकी आंखों पर ना पड़े और वो उनकी आंखों को हार्मफुल ना पहुंचाए, सीधी सीधी बात है, आंखों को आंखें सुरक्षित रहेंगे तो हमारा पूरा जीवन सुरक्षित है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो अगर आपको चलाना ही है तो आप ब्लू रेड मोड लगा लीजिए और वो डार्क मोड लगा लीजिए जो अंधेरा हो जाता है, ठीक है, और नहीं तो मत सोइए ना। और एक चीज जो आपके करनी है, आप मोबाइल चला रहे हैं बेशक चला रहे हैं, ठीक है, आपको लत लगी हुई है, तो सोने से लगाओ आधे घंटे पहले मोबाइल रख दें साइड से, अलग रख दें, लाइट मोड लगा दें, फ्लाइट मोड नहीं लगा सकते तो थोड़ा दूर रख दें, 1 मीटर की दूरी पर, और थोड़ा आधे घंटे के लिए रेस्ट करें,
मतलब टहले हलाएं और पानी वगैरह पी लें, आराम से रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद सोएं, तब आपको नींद अच्छी आएगी। तो और एक चीज जो आपको करनी है, बच्चों को मोबाइल बिल्कुल नहीं देना है। हाल पहले ही बच्चे हुआ करते थे ना, पहले बच्चे कैसे बड़े हो जाते थे, खिलौने होते थे जो छोटे बच्चे होते हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको क्यों देना है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 साल का हुआ, 2 साल का, तो लोग क्या करते हैं लाड़ में, ठीक है, हमारे तो लाड़ी बोलते हैं, तो मतलब प्यार में उसे मोबाइल दे देते हैं। अब मोबाइल में जो रेडिएशन नहीं है वो बच्चे के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है, मतलब हम उसे सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चा है वो, उस पर बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है उसका, उसका अभी माइंड सेट या उसका उसकी शरीर का कुछ भी ऐसा नहीं बना है जो मोबाइल की रेडिएशन को सह सके, उसके स्किन को बहुत डैमेज कर सकती है वो। तो बच्चों को तो आपको बिल्कुल नहीं देना है, पहले ही बच्चे हुआ करते थे, पहले बच्चे बड़े हो जाते थे। बाकी आप खुशमंदार हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, उससे होगा ये, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि मैंने नई वीडियो डाली है, आके देख लीजिए। और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।